मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कोरबा पुलिस ने 4 साल पहले लापते हुई युवती का किया खुलासा। 2 महीने की थी प्रेग्नेंट, बच्चा गिरने दबाव बना रहा था। प्रेमी आरोपी ने गला घोटकर कर दी थी हत्या। कोरबा के 4 साल पहले लापता हुई एक 20 साल की युवती आसिमा बड़ा के गुमशुदगी का खुलासा हुआ है। 4 साल बाद गुमशुदगी मामले को SP जितेंद्र शुक्ला ने गंभीरता से लिया और विशेष टीम बनाकर जांच शुरू करवाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी अन्न सेलम 29 साल को गिरफ्तार किया। दरअसल इस मामले में पुलिस युवती का पता अब तक नहीं लगा पाई थी। कोरबा SP जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर गुम मामले के निराकरण के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। कोरबा के नेमारू पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हत्या के समय 2 महीने की प्रेग्नेंट थी युवती। आरोपी प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि 4 साल पहले ही उसने युवती की हत्या कर दी थी। हत्या के वक्त वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अबॉर्शन कराने के लिए वह युवती पर दबाव बना रहा था। कंपाउंडर से दवा भी ली थी। युवती के मना करने पर उसने हत्या कर दी थी। कोरबा के लेमरू पुलिस और FSL की टीम ने आरोपी के निशानदेही पर जंगल से नरकंकाल बरामद किया। पुलिस और FSL की टीम ने वारदात स्थल को सबूत इकट्ठा किया। मृतिका आसिमा बड़ा, जिसकी गुमशुदगी अक्टूबर माह 2020 की थी और जिस पे उसके गार्जियंस उसकी बड़ी बहन ने जनवरी 2021 में पुलिस TI लेमरू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और उस समय जो भी जांच पड़ताल हुई उसमें उस गुमशुदगी के बारे में निकाल नहीं हो पाया था, परंतु अभी कोरबा पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है जिसमें गुमशुदा लड़कियों, खासकर कम उम्र की महिलाओं को लेकर जो संवेदनशीलता के साथ हम लोग खोजना शुरुआत किए हैं, उसी तारतम्य में अभी लेमरू TI ने जब इस केस पे छानबीन शुरू की तो जो प्राइम सस्पेक्ट उस समय था उससे जब फिर से एक बार पूछताछ शुरू की तो उसने एक नया तथ्य पुलिस को बताया कि लड़की प्रेग्नेंट थी। और वो लड़की जो जिसके साथ प्रेगनेंसी जिसके कारण थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कंपाउंडर था उसके पास जाके उसने प्रेगनेंसी अपनी चेक कराई थी और प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए दवाई देने की बात हुई थी। तो ये एक नया तथ्य पुलिस को निकल कर आया। तो फिर कंपाउंडर से बातचीत हुई, कंपाउंडर ने मतलब भी ये पुष्टि की। उसके बेस पे हमने उनके जो गुमशुदा लड़की थी उसके प्रेमी को फिर से बैठाया और उसका उस समय का जो इन्वेस्टिगेशन में CDR निकाला था, CDR को हमने फिर से चेक किया और लड़की और लड़के के लोकेशन को रेगुलर हमने फिर से ट्रैक किया तो देखा कि नहीं, हाँ, जब लड़की का मोबाइल बंद हो रहा है तो उसके साथ ही लड़के का मोबाइल की लोकेशन दिखाया। फिर लड़के से जब हमने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जब अक्टूबर में लड़की गायब हुई उसके उसी दिन लड़के ने उसकी लेमरू थाना क्षेत्र के एरिया में जंगल क्षेत्र में ले जाके उसका रस्सी से गला घोटा और फिर उसको खाई में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पे कल फिर पुलिस पार्टी FSL टीम के साथ जाकर वहाँ से मौका है वारदात से मतलब नरकंकाल हमने जब्त किया है और अभी हम उसको फॉरेंसिक जांच के लिए DNA टेस्ट के लिए उसको हम ऊपर भेज रहे हैं ताकि मृतिका का ही नरकंकाल है वो पुष्ट कर सकें। और आरोपी को अभी 302 के केस में फिर हमने अभी गिरफ्तार किया और अभी न्यायालय में रिमांड के लिए पेश करेंगे।